नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवाघर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होता है, इसके बारे में, इसके कॉजेस, इसके सिम्टम्स, इसके ट्रीटमेंट और इसके डायग्नोस, मतलब टोटल पूरी जानकारी आज दूंगा मैं कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता क्या है। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक स्किन एलर्जी है और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस स्किन संबंधित एक समस्या है। और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस किसी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन या किसी उत्तेजक पदार्थ के संपर्क में आने से स्किन पर लाल लाल खुजलीदार चकत्ते बनने की स्थिति को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में बनने वाले चकत्ते फैलते नहीं हैं, इसकी एक विशेषता ये है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस तीन तरह के होते हैं, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और फोटो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तीन तरह के डर्मेटाइटिस कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होते हैं और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब जिसको लक्षण कहते हैं, और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के लक्षण, तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के लक्षण स्किन पर लाल लाल रंग के दाने, लाल रंग के दाने, दानों के साथ खुजली की समस्या, सूजन की समस्या होना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। और स्किन पर रैसेस होना, मतलब लाल लाल दाने होना, पूरे शरीर पे लाल लाल छोटे छोटे दाने, कान उनके आसपास सब जगह होना, एकाएक लाल दाने होना, ये इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। और इट्सिंग होना, मतलब खुजली होना, इसका एक लक्षण है। और सूखी फटी त्वचा, दाने निकलना, सूजन या जलन होना, इसका एक लक्षण ये भी है। तो ये हुआ सिम्टम्स ऑफ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के। अब आपको बताऊं कि इसके कॉजेस क्या हैं, मतलब इसके कारण, किस कारण से, किस वजह से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एलर्जिक रिएक्शन के कारण होता है, मतलब एलर्जिक रिएक्शन दवा से भी हो सकता है, रंग से हो सकता है, किसी केमिकल से भी हो सकता है, आपके पौधों से हो सकता है, मतलब एलर्जिक रिएक्शन किसी भी तरह से, कहीं से, किसी को, कोई भी किसी भी चीज से एलर्जिक हो सकता है, इसी को एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। तो मेडिसिन से भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, जैसे इसमें अगर पेन किलर डाइक्लोफेनेक वगैरह से भी इसमें एलर्जिक रिएक्शन है। तो ये हुआ इसके कॉजेस, कारण। और कारण में ये है कि साल्वेंट, मतलब कुछ प्रकार के घोल, मतलब एक दो तरह के केमिकल को आपस में मिला के हाथ में लगने से आपको एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। और ब्लीचिंग करने से, जो लोग ब्लीच कराते हैं उसके कारण भी हो जाता है, हेयर डाई लोग करते हैं उससे भी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होने की संभावना होती है। और डिटर्जेंट, जैसे आपने कोई सॉप हॉट डिटर्जेंट साबुन यूज किया या कोई पाउडर यूज किया, उसके कारण भी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होने की संभावना होती है। जिसमें शैम्पू बेस, कोई भी शैम्पू से भी आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। तो कुछ प्रकार के पौधों के कारण मैंने बताया कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के कारण भी आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। तो ये हुआ आपका कॉजेस, कारण, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होने के रीजन। तो अब आपको बताऊं कि ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आपके शरीर पे, पूरे शरीर पे छोटे छोटे दाने लाल रंग के होते हैं तो ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहलाते हैं। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का जो ट्रीटमेंट चलता है उसमें एंटी हिस्टामिन की टेबलेटें चलाई जाती हैं, जो कि एक बार चलती है 24 घंटे में एक बार, और इसमें एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन भी चलाई जाती है, एंटी एलर्जिक टेबलेट, तो एंटी हिस्टामिन चलती ही है, साथ में एंटी बायोटिक भी टेबलेट चलाई जाती है, और स्टेरॉइड्स की क्रीम जेल भी इसमें चलाया जाता है। जब जहां से सूजन खत्म हो जाती है, जलन खत्म हो जाता है इसका यूज करने से, तो इसमें स्टेरॉइड का मेन रोल है, तो स्टेरॉइड भी दिया जाता है। लेकिन स्टेरॉइड को 2 से 4 हफ्ते लगातार सुबह शाम क्रीम को लगाया जाता है। खाने के लिए भी अगर जिस जैसे आप आपने
किसी स्टेरॉइड्स को बीडी देना शुरू किए हैं तो उसको धीरे धीरे ओडी करिए, फिर अल्टरनेट करके धीरे धीरे उसको कम करते हुए बंद कर दीजिए। 2 से 4 हफ्ते के अंदर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आपका पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस शरीर के उसी भाग पर होता है जो भाग खुले हुए होते हैं, जो अंग खुले हुए होते हैं वहीं पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मादवागर और मैं डॉक्टर उपेंद्रनाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने की कृपा करिए। अगर आप मेरे चैनल पे लगातार देखते हैं तो मेडिसिन से संबंधित इस चैनल पे जानकारी दी जाती है, और इस चैनल पे दवा से संबंधित किसी भी तरह की दवा, चाहे वो स्किन की हो, चाहे जैसे भी दवा हो, सारी दवा के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। और आप मेरे वीडियो को सुनिए, और हो सकता है कि आप मेरे वीडियो को सुन के दूसरों को भी ये जानकारियाँ दे सकते हैं। तो धन्यवाद। आपको फिर यही कहूँगा एक बार कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जैसे कि आपको भी नॉलेज मिलेगा दवा से संबंधित। हमें, हम तो दे ही रहे हैं, आपको भी नॉलेज मिलेगा और आपका नॉलेज दूसरे के काम आएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद। गुड नाइट।